गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 13 लेके, जिसमें आज हम लैब करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि गिट पे कैसे काम स्टार्ट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। आपको बस जैसे जैसे मैं करा रहा हूं आपको एज इट इज फॉलो करना है। इसके लिए AWS का अकाउंट होना जरूरी है, तो जिन्होंने अब तक नहीं बनाया है बना ले, क्योंकि सारी लैब हम उसी पे करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम जो कुछ भी लैब में करेंगे उसके बाद हम अपने EC2 इंस्टांस को यानी कि सर्वर को टर्मिनेट नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप का मतलब है रोक देंगे, ताकि फ्यूचर में जब अगली लैब करें तो वो उससे आगे से हमें करनी है, तो पिछले कोड या कमांड हमें दोबारा नहीं वहां पर चलानी पड़ेगी। तो मैं हर बार अब इंस्टांस को स्टॉप करूंगा काम करने के बाद। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, और आपका कोई बिल नहीं लगेगा, डोंट वरी, कोई ज्यादा चार्ज आपका नहीं आएगा, किसी तरीके का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। आप स्टॉप कर दें, बट कोशिश करें कि हाँ वीडियो को आप फ्यूचर में भी टाइमली देखकर लैब को टाइमली कर लें, तो हम उसे स्टॉप कर करके देखेंगे। और अगर आप उसे टर्मिनेट कर भी देते हैं तो आपको पिछली कमांड से यानी आज से मैं जहां से स्टार्ट करा रहा हूं पहले वो करते हुए फिर आगे वाले लेक्चर्स की कमांड को परफॉर्म करना, यानी आने वाले सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड है। पहले आज की कमांड चलाएंगे, उसके बाद अगले लेक्चर की कमांड उसके बाद चलेंगी, ठीक है, उन्हें आप डायरेक्टली नहीं चलाएंगे। तो आपको सीक्वेंस में अब ये सारी लैब करनी है वन बाय वन। आप आज की सीख लें, उसके बाद आगे की लैब वहीं से स्टार्ट करें, आज का जहां तक हमने कर लिया उसके बाद से। तो चलिए मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। हम करने ये वाले हैं कि सबसे पहले हम अपने AWS अकाउंट में जाकर दो EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे, क्रिएट टू EC2 इंस्टांसेस। वो कौन से हमें लेने हैं? हमें लिनक्स लेना है, लिनक्स इंस्टांसेस हम क्रिएट करेंगे। एक हम क्रिएट करेंगे मुंबई में, एक हम क्रिएट करेंगे मुंबई के अंदर, और दूसरा हम क्रिएट करेंगे सिंगापुर के अंदर। ये भी हमारी लिनक्स मशीन है और ये भी हमारी लिनक्स मशीन है। तो हमने दो लिनक्स मशीन क्रिएट कर ली, उसके बाद दोनों पे हमें सेम कमांड चलानी है। पहले इस पे वो कमांड हम चलाएंगे और उसके बाद इस पर हम वो कमांड चलाएंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट्टी के थ्रू इन दोनों मशीन्स का एक्सेस लेना पड़ेगा, और मशीन बनाते समय सिक्योरिटी ग्रुप में आपको दो चीजें अलाउ करनी है। मैं वैसे तो सबको दिखाऊंगा आपको लैब में, एक SSH पोर्ट आपको अलाउ करना है और एक HTTP पोर्ट, ये दोनों पोर्ट आपको अलाउ करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कमांड्स दिखाता हूं कि कमांड्स कौन सी हमें इन दोनों पे चलानी है, ठीक है। ये वो कमांड्स हैं जो हमें चलानी है अपने दोनों लिनक्स मशीन्स के ऊपर। जब आप लिनक्स मशीन का एक्सेस ले लेंगे पुटी के थ्रू, लॉग इन कर लेंगे लिनक्स मशीन में, उसके बाद सबसे पहले आपको पता है एडमिन राइट्स के लिए आप चलाते हैं sudo su कमांड, सुपर यूजर डू स्विच यूजर, ठीक है। sudo कमांड चलाने के बाद आपने अपडेट करना है अपनी लिनक्स मशीन को, जो भी फाइल्स उसमें अपडेट होनी रह गई है, क्योंकि मशीन जो भी है उसका जो भी वर्जन हम चला रहे हैं पर उस पर कुछ जो भी अपडेट्स आए हैं वो हो जाने चाहिए, तो हम उसको पहले कंप्लीटली अपडेट कर देते हैं। तो उसके लिए सिंपल कमांड होती है yum update, और yq लगाते हैं ताकि आगे जब अपडेट कर रहे हैं उसमें अगर कहीं वो यस और नो पूछता है आपको प्रोसीड करना है कि नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिक हर चीज को यस करता चला जाए, ठीक है। तो हम हाइफन y लगा देते हैं। उसके बाद जब अपडेट हो जाएगा तो यहां पे गिट को इंस्टॉल करना बड़ा इजी है। आपको डाउनलोड वाउनलोड कुछ नहीं करना है, क्योंकि लिनक्स का मैंने पहली थ्योरी में बताया कि ये बनाया लिनक्स टोरवाल्ड नहीं है, और लिनक्स टोरवाल्ड ने लिनक्स को बनाया, तो ये वहां पे होता है बाय डिफॉल्ट, लिनक्स के अंदर ये होता है, बस आपको इंस्टॉल करना होता है, फाइल्स वहां पे होती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है जो आपको मिलता है वहां पे, तो आपने सिर्फ इसे इंस्टॉल करना होता है। तो आप yum install git करेंगे और hyphen y आपको पता ही है, तो वो आप लगा दें, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। और ये पूरा CLI होता है, git जो होता है वो CLI बेस्ड होता है, पूरा कमांड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यहां पे ग्राफिकल यूजर आपको नहीं दिखेगा। गिट का वर्जन आप चेक करना चाहते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, 2.23.2 समथिंग रहेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिट का वर्जन आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे आप कौन से गिट वर्जन पे काम करते हो, तो आपने सोचना नहीं है, आपने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है जो हमारी वहां पर आएगी, ठीक है, वो 2.23.2 समथिंग होगी। मैं एक्चुअल आपको लैब में दिखाऊंगा, अभी आप ना लिखें। तो वो आपने
एग्जैक्ट याद करके जवाब देना है उसका। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर कोई बंदा कोई कंपनी आपसे पूछती है आपने काम किया या आप कहते हैं मुझे एक्सपीरियंस है तो आप अटकोगे नहीं, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो आप सीधा बोलोगे भूपेंद्र राजपूत, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। तो आपको जो चीज मालूम है आपने जिस पे काम किया उसके लिए आप कभी सोचते नहीं है। तो अगर आपने गिट पे काम किया होगा सच में तो आप कभी भी वर्जन को सोचोगे नहीं, ठीक है ना। तो आपने वर्जन बताना है और अभी 2 में ही चल रहा है, 3 डॉट समथिंग कुछ नहीं बोलना आपने, क्योंकि अभी इसके जो वर्जन आए हैं वो 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने उससे आगे का वर्जन कोई नहीं बोलना। तो ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस का आपको अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटरव्यू देते टाइम कि आपने वहां अटकना नहीं है, जो भी चीज बोलनी है कॉन्फिडेंस से बोलनी है। पुराना वर्जन बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, हो सकता है मेरे यहाँ पुराना इस्तेमाल हो रहा, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। वर्जन चेक करने के लिए ये कमांड होती है गिट का क्या वर्जन है, गिट इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, उसके लिए कमांड आप विच चला सकते हैं, विच गिट, तो ये बता देगा गिट कहां पे इंस्टॉल हुआ है, आप ये कमांड भी चला के देख सकते हैं। उसके बाद हमें गिट को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने का मतलब है कि हम उसको एक यूजर नेम और एक ईमेल आईडी दे देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी जब भी हम अपने एंड से कुछ कमिट करेंगे, कोई भी कोड सेव करेंगे, तो वो दिखा देगा कि इस बंदे ने सेव किया है, भूपिंदर ने सेव किया और ये ईमेल आईडी है। तो अगर किसी दूसरे बंदे को कोई इशू है मेरे कोड के साथ, कुछ गड़बड़ है, तो वो मुझे मेरी मेल पे अपडेट कर सकता है, मुझे रिप्लाई कर सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने नाम से कर रहे हैं और वो सबको दिख रहा है। जब आप उसे गिटहब में डाल देंगे तो वो सबको दिख भी रहा होगा कि भूपिंदर ने ये कोड डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका काम सबकी नजर में होता है गिटहब के अंदर, ठीक है, जो सेंट्रल रिपोजिटरी आपकी है। तो ये आपने करना है, कॉन्फ़िगर करना है, अपना यूजर नेम आपको लिखना है, डबल डैश लगा के या हाइफन आप कह लें लगा के, ग्लोबल यूजर नेम, यूजर डॉट नेम है, ऐसे ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल है। ईमेल आप असली भी रख सकते हैं, कोई नकली भी अपनी मर्जी से, मतलब bhupinder@gmail ये मेरी कोई आईडी नहीं है फिर भी मैं इसे रखूंगा तो चल जाएगा। रीजन क्या है कि इसका हमें इस्तेमाल तब आएगा जब कोई बंदा हमें मेल करेगा, पर हमें मेल तो करना नहीं है किसी को। तो फिलहाल आप ये ईमेल आईडी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्टिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये काम हो जाएगा तब मैं आपको इस लैब में आज क्या करके दिखाने वाला हूं। अब सपोज मेरी 2 मशीनें तो बन चुकी हैं लिनक्स की और दोनों के ऊपर मैंने गिट भी इंस्टॉल कर दिया है, दोनों के ऊपर मैंने गिट इंस्टॉल कर दिया है, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद मुझे जाना है गिट हब में इंटरनेट के थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू मैं गिट हब की वेबसाइट पर जाऊंगा www.github.com और वहां जाके मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये क्या है मेरा, ये मेरी सेंट्रल रिपोजिटरी है। तो मुझे एक अकाउंट यहां बनाना पड़ेगा सेंट्रल रिपोजिटरी में, और जब भी मैं कोई काम करूंगा, कोई कोड करूंगा, तो मैं क्या करता था, मैं पुश करता था। तो मुझे पुश करना है सेंट्रल रिपोजिटरी में, तो सेंट्रल रिपोजिटरी में मेरा अकाउंट तो होना चाहिए ना। तो वो भी मैं आपको आज की लैब में दिखाऊंगा कि गिट पे अकाउंट कैसे बनता है। तो ये आज हम करने वाले हैं, छोटा सा टास्क है, और उसके बाद हम अपनी मशीन्स को स्टॉप कर देंगे। मैं आपको सब कुछ स्क्रैच से बताऊंगा, कोई भी इस आज मैं जो पार्ट है उसे स्किप नहीं करूंगा लैब का, यानी स्टार्टिंग में जो मैं लिनक्स इंस्टॉल करता हूं वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। उसके बाद अगली लैब में उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते जाएंगे और सारे कोर्स को रन करा के देखते जाएंगे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते हैं अपनी लैब के पास। तो लो जी आ गए हम अपने AWS अकाउंट के ऊपर और अभी मैं मुंबई रीजन में हूं। देखिए आपको रीजन दिख रहा है, तो एक EC2 मशीन में बनाऊंगा मुंबई में और एक बनाऊंगा सिंगापुर में, ठीक है। तो फिलहाल मुंबई में बनाते हैं, तो सबसे पहले सर्विसेज में चलते हैं, यहां EC2 पे चलते हैं, यहां पे आप रनिंग इंस्टेंसेस पे जाइए, यहाँ लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मशीन लेनी है। तो ये काफ़ी नीचे आ गया, ये ऑप्शन काफ़ी नीचे आ गया है, तो आप देख सकते हैं मैं मुंबई में काफ़ी नीचे हूँ, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है फ्यूचर में भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर ये नहीं मिलती है तो आप दूसरी मशीन भी ले सकते हैं, आप लिनक्स मशीन अमेजन की कोई और ले लेना, उस पर भी काम हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं अमेजन लिनक्स 2 AMI ले रहा हूँ, सिलेक्ट करें यहाँ पे, यहाँ पे T2 माइक्रो ही आपको रखना है क्योंकि ये फ्री है, नेक्स्ट करिए, यहाँ नंबर ऑफ इंस्टांसेस 1 ही रखिएगा, सब कुछ ऐसे ही रहने दें, कुछ नहीं करना आपको, आप नेक्स्ट करिए, यहाँ पर भी नेक्स्ट करिए, टैग देने की ज़रूरत, चलिए नाम दे दें आप नेम, और यहाँ पर दे दें मुंबई गिट, नेक्स्ट करें मुंबई गिट लिनक्स,
और नेक्स्ट करें। यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लें आप और इसको नाम दे दें गिट लिनक्स, और SSH यहाँ पहले से है, HTTP आप ऐड कर लें और दोनों को यहाँ पे एनीवेयर कर दें। बस ये काम आपको करना है। रिव्यू एंड लॉन्च करें, लॉन्च पे क्लिक करें। यहाँ पे चूज़ एन एग्जिस्टिंग की पेयर ये कह रहा है, आप एक नया बना लें और इसको नाम दे दें मुंबई की पेयर, डाउनलोड कर लें और उसके बाद लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें, व्यू इंस्टांसिस पे क्लिक करें। तो ये आपकी मशीन लॉन्च हो रही है। एक बार ये लॉन्च हो जाए तो मैं पहले मुंबई मशीन को पूरा कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ और सेम एग्जैक्ट स्टेप फिर हमें सिंगापुर में करने हैं। तो मशीन हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसका पब्लिक आईपी पहले कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद आप इसे मिनिमाइज़ कर दें और दो टूल छोटे छोटे आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। आपने अगर पहले स्टार्टिंग से लेक्चर देखे हैं तो आपको पता है ये मैंने कहाँ से आपको डाउनलोड करना बताया है। तो आप पुटी जैन को सबसे पहले ओपन करेंगे, यहाँ पे लोड करेंगे, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे जाना है और यहाँ आपने ऑल फाइल्स करना है, तब ये आपको नज़र आएगी जो की आपने डाउनलोड करी थी। आप इसे ओपन कर लें, यहाँ पे सेव प्राइवेट की पे क्लिक करें, ये पूछेगा आपसे, आप यस कर दें। अब आप इस की को सेव कर लें डेस्कटॉप पे, किस नाम से, मुंबई 1 के नाम से आप इसे सेव कर लें और इसे क्लोज कर दें। अब आप पुट्टी सॉफ्टवेयर को ओपन करें, यहाँ पे पब्लिक आईपी पेस्ट कर दें, यहाँ लेफ्ट साइड में SSH पे जाएं, इसमें ऑथ पे जाएं, यहाँ ब्राउज करें और यहाँ डेस्कटॉप पे जो अभी आपने मुंबई 1 डाउनलोड करी है उसे आप ओपन कर दें। तो ये ओपन हो गई यहाँ, अब इसे ओपन करें। तो ये एक एक मैसेज आएगा आपके पास, आप इसे यस कर दो और फाइनली देखिए आपके पास मैसेज आ गया है, EC2-user आपको लिखना है, एंटर करना है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, अपीयरेंस में जाके चेंज करें आप यहाँ पे 18 कर दें, अप्लाई कर दें। तो ये बड़ा हो गया। अब मैंने लॉगिन एज EC2-user कमांड चलाई है पहले, तो ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद कौन सी कमांड चलानी है, तो अभी मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, अब मुझे रूट यूज़र बनना है, तो हमेशा मैं sudo su चलाता हूँ सबसे पहले। तो sudo su कमांड आप चलाएं, एंटर करें, तो ये देखें आप रूट यूज़र बन गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद कमांड क्या चलानी है, मैंने बोर्ड पे क्या लिखवाया था आपको, आपको पहले अपडेट करना है अपने इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, yum update -y आप एंटर करें। तो ये देखें कितनी सारी फाइल आपकी अपडेट हो रही हैं। तो लीजिए जी, फाइनली हमारा ये अपडेट हो गया है। और अपडेट होने के बाद अब आपने क्या कमांड चलानी है, अब आपने करना है अपना गिट इंस्टॉल। तो यम इंस्टॉल गिट, बड़ी सिंपल कमांड है, मतलब आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है, यम इंस्टॉल गिट कर दें आप और -y लगा दें। नहीं लगाऊंगा तो फिर मुझे यस लिखना पड़ेगा या वाई लिखना पड़ेगा बीच में, तो इसलिए पहले ही लगा देते हैं, यम इंस्टॉल गिट -y। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं क्लियर एल कर देता हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा, यम इंस्टॉल गिट -y ये कमांड आपको देनी है, एंटर करें। तो लीजिए जी, ये भी मेरा इंस्टॉल हो गया है, कंट्रोल एल कर देते हैं तो क्लियर हो गया। अब मैं ज़रा देख लेता हूँ गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो विच स्पेस गिट ये कमांड आप चलाएं। तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि ये गिट जो है ये बिन के अंदर बना है, पहले रूट यूज़र है इस, ये पहले वाला फॉरवर्ड स्लैश का क्या मतलब है, रूट यूज़र, इसके बाद बिन, बिन के अंदर, बिन जो है आपकी डायरेक्टरी है और उसके अंदर गिट नाम का एक डायरेक्टरी बनी हुई है, वहां ये आपका हुआ है इंस्टॉल। ठीक है, इसके बाद अब आप अगर वर्जन देखना चाहते हैं तो गिट दो बार आपने -n लगाना है और वर्जन लिखना है, एंटर करें। ये देखें जी, 2.23.3 ये इसका वर्जन है। तो आपने यही बोलना है इंटरव्यू में, या आप 2.20 बोल दें, 2.21.2 बोल दें, मतलब 2 की सीरीज में बोलना है, पहला 2 होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी बोल सकते हैं आप, .17.3 बोल दें, .14.5 बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप 2 से स्टार्ट करें
और तीन बार होना चाहिए, यानी 2.23.3 इस तरीके का वर्जन होना चाहिए। आप खाली 2.2 नहीं बोलोगे या 2.5 नहीं बोलोगे, आपने 2.5.5 बोलना है, इस तरीके से बोलना है आपको। समझ आ रही है बात? तो वर्जन इस तरीके का कुछ होगा, पर बेहतर होगा आपने जो पढ़ा है वही आप याद कर लें मुंह जबानी, ठीक है ना। 2 है 23 है 3 है, देखो ये भी 2 है ये 3 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो बीच में 23 है ना। समझ आ रहा है? 2 लिखो 3 लिखो बीच में, उन दोनों को जोड़ के 2 3 कर दो, ठीक है। तो मेरे ही अपने फंडे होते हैं उल्टे सीधे। चले कोई बात नहीं, आप भी कहोगे क्या तरीका बता रहे हो। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने कमांड देनी है गिट कन्फिग स्पेस डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट नेम और स्पेस देके आपने इन्वर्टेड डबल कोमा जो लगाना है उसमें आपने यूजर का नाम लिखना है भूपिंदर और इन्वर्टेड कोमा बंद कर देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूजर का नाम, आप एंटर कर दें। अब आप एरो की का इस्तेमाल करें तो यही कमांड दोबारा आ जाएगी, कीबोर्ड का जो अप डाउन की होती है, ठीक है। यहां पर अब की बार मैं यूजर नेम में यूजर नेम ना करके यूजर ईमेल कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यूजर ईमेल अब लिखता हूं, यूजर ईमेल, यूजर डॉट ईमेल, ये आपकी कमांड है। और ईमेल आप यहां पे दे दें इन्वर्टेड कॉमा में भूपिंदर एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है। तो ये मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मेल तो करना नहीं है किसी को। आप एंटर कर दें। तो मैंने यूजर नेम और ईमेल बना दिया है। अब मुझे ये चेक करना है ये बना है कि नहीं बना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आप चेक करें गिट, दो बार आपने डैश लगाना है और लिस्ट लिखना है। ये देखें यूजर नेम आ गया भूपिंदर और ईमेल आ गई भूपिंदर एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। तो इस तरीके से आप लिस्ट भी देख सकते हैं कि यूजर का नाम क्या लिखा गया है, ईमेल क्या है। तो ये सब बंदों को दिखेगी, जब मैं कोई कोड कमिट करूंगा गिटहब में तो उनको ये नाम और ये ईमेल दिखेगा, ठीक है। तो यहां तक काम हो गया। अब सेम काम आपने करना है अपनी दूसरी तरफ की मशीन पे, जो है आपकी सिंगापुर में बनानी है। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं, दोबारा मैं अपने AWS अकाउंट पे चलता हूं और अब मैं यहां से रीजन को चेंज करता हूं और मैं जाता हूं सिंगापुर में। तो मैं सिंगापुर में आ गया हूं, आपको दिख रहा है रीजन। यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें, यहाँ देखिए अमेज़न लिनक्स सबसे ऊपर ही आ रहा है जबकि वहाँ नहीं आ रहा था। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से नज़र आता है हमें, यहाँ टॉप पे नज़र आ रहा है तो इसे सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। नेम इसको देना चाहें दे दें आप, सिंगापुर गिट, नेक्स्ट। यहाँ SSH है, आप HTTP भी ऐड कर लें और दोनों को एनीवेयर कर दें और रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें, लॉन्च करें। यहाँ एक नया की पेयर बना लें आप, इसको नाम दे दें गिट 123 या सिंगापुर ज़रूर लिखें ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे कौन सा की कहाँ का है, सिंगापुर गिट, ठीक है। और डाउनलोड कर लें, उसके बाद लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें, यहाँ व्यू इंस्टांस पे क्लिक करें। तो एक बार ये लॉन्च हो जाए, इसमें भी सेम स्टेप करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मशीन मेरी लॉन्च हो गई है, अब मैं इसका पब्लिक IP यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम स्टेप करने हैं, मिनिमाइज करिए, पुटी जेन में जाइए, यहाँ लोड पे क्लिक करिए, यहाँ से डाउनलोड पे जाइए, यहाँ ऑल फाइल्स करिए। यहाँ देखिए आपको सिंगापुर नज़र आ रहा है, ये वाली की नज़र आ रही है, इस बार आपको ये लेनी है, मुंबई वाली नहीं लेनी, तो वो तो हम कर चुके हैं, सिंगापुर पे कर रहे हैं। इसे ओपन करिए और यहाँ पे आप सेव प्राइवेट की पे क्लिक करिए, यस करिए और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए आप और इसको नाम दे दीजिए आप सिंगापुर 123 और सेव कर दीजिए और इसे क्लोज करिए। अब पुटी को ओपन करिए, यहाँ पे पब्लिक IP पेस्ट करिए, SSH पे क्लिक करिए, यहाँ ऑथ पे क्लिक करिए
यहाँ ब्राउज करिए, यहाँ डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पे सिंगापुर 123 इसे ओपन करिए, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करिए, यहाँ यस पे क्लिक करिए, तो ये लॉगिन एज आ जाएगा। इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे करते हैं EC2-user एंटर, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब सबसे पहले कमांड कौन सी चलानी है, sudo su, सेम कमांड चलानी है जो वहाँ पे काम किया है। तो दो मशीन हमारी हो जाएंगी, इससे क्या होगा, एक बंदा वहाँ से कुछ अपडेट करेगा, फिर ये यहाँ पुल कर लेगा सिंगापुर में। जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि अलग अलग बंदे जो अलग अलग जगह बैठे हैं फिर भी वो एक साथ काम कर सकते हैं। अगर मुंबई का बंदा ने अपना कोड लिख के गिटहब में पुश कर दिया तो अब ये वहां से पुल कर लेगा, तो इसके पास वो कोड आ जाएगा और ये उससे आगे लिखना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने सिनेरियो में दो मशीनें बनाई हैं। तो sudo su आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये ले आप रूट यूजर बन गए। इसके बाद क्या कमांड है, यम अपडेट हाइफन वाई, इसे आप करें और एंटर करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में, हल्का सा टाइम लगता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये अभी अपडेट हो जाएगा अपने आप। ये देखें, ये अपडेट हो गया है जी। अब मैं इसे कंट्रोल एल कर देता हूँ, ये पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरा इंस्टॉल करना है गिट। तो उसके लिए क्या कमांड है, यम इंस्टॉल गिट हाइफन वाई, एंटर करें। ये देखें जी, आपका गिट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया जी, कंप्लीट बता रहा है ये आपको मैसेज में, यानी कि गिट इंस्टॉल हो चुका है। कंट्रोल एल करें, यहाँ पर भी चेक करके देख लें विच गिट, तो आप देखेंगे सेम आंसर आएगा जो पहले आया था, मुंबई में आया था, जो देख लें आप बिन के अंदर गिट नाम की डायरेक्टरी में ये बन गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका वर्जन चेक करना है, गिट स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर। ये देखें वर्जन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों जगह सेम आ रहा है मेरा। तो मेरा गिट इंस्टॉल हो चुका है, मैंने वर्जन चेक कर लिया। अब कन्फिग और कर लेते हैं, तो गिट कन्फिग, गिट कन्फिग, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा और कुछ भी कैपिटल में मत लिखिएगा जब तक कि कहा ना जाए। गिट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल डॉट यूजर डॉट नेम, उसके बाद स्पेस देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके का लगाना है आपको, शिफ्ट करके आप जब बटन दबाएंगे इन्वर्टेड कॉमा का तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इस बार यूजर नेम अजय लेना है, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, जो भी आप नाम देना चाहें। तो मैं यहाँ पे सैंपल के लिए अजय ले रहा हूँ, एंटर करें। ये क्या हो गया, ग्लोबल, ओ सॉरी, मैंने ग्लोबल के बाद डॉट लगा दिया, तो मैंने कोड गलत लिख दिया है, तो आपने मुझे बताया भी नहीं कि मैंने ग्लोबल के बाद डॉट लगा दिया है। तो ये छोटी छोटी कमियां आपको देखनी पड़ेंगी, आपने कहाँ एरर किया है, आपने कहाँ गलती की है, आपको देखना पड़ेगा। तो ये मैं डॉट हटा के स्पेस दे देता हूँ नॉर्मल और एंटर करता हूँ। तो ये देखें, अब की बारी हो गया, कंट्रोल एल करें। अब आप अगला कन्फिग करें गिट, तो करने की जरूरत नहीं है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम वही एरो की का इस्तेमाल करके पुरानी की को वापस पुराने कोड को ले आते हैं। ये आ गया, अब यहाँ पे आप इसको यूज़र नेम की जगह यूज़र ईमेल कर दें, है ना, पहले भी यही किया था हमने पिछली मुंबई वाली मशीन में, यूज़र ईमेल, और ईमेल को हम लिख देते हैं ajay@gmail.com। आप कुछ भी ले सकते हैं, गलत भी ले सकते हैं, सही भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आपने ये दे दिया, आप एंटर करें, ये भी हो गया। अब एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं इसी चीज़ को कि हमारा ये प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है, गिट कन्फिग, या आप वैसे भी कभी चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि हमने कन्फिग में क्या क्या यूज़र नेम और मेल आईडी दी है, वो हमें यहाँ से दिख जाएगी। तो गिट कन्फिग डैश डैश लिस्ट, तो ये देखें यूज़र नेम अजय आ रहा है और उसकी ईमेल आईडी ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये काम भी कर लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे अब हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है,
ये दोनों काम हमारे हो गए हैं, ठीक है, दोनों मशीनों पे आपने इतना काम करना है। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ गिटहब पे कि गिटहब कैसे आपने अकाउंट बनाना है। तो आपने www.github.com सर्च करना है और एंटर करना है। ये देखिए इस तरीके का कुछ आएगा, आपको वेबसाइट नज़र आएगी, ठीक है। तो आई होप ये नज़र आ रही है यहाँ पे, ये एक आपको ऑक्टा कैट का लोगो भी नज़र आ रहा होगा, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कहानी क्या है, ठीक है। तो ये बिल्ली बनी हुई है वैसे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप यूज़र नेम ले लें, यूज़र नेम मैं कहता हूँ जी, यूज़र नेम लेना है मुझे टेक्निकल गुफ्तगु, ठीक है। मैं स्मॉल टेक्निका गुफ्तगु, टेक्निकल गुफ्तगु है क्या जी, अवेलेबल है, तो मैंने टेक्निकल गुफ्तगु ले लिया है, ठीक है। अब ये कहते हैं ईमेल आईडी कौन सी लेनी है, मैं कहता हूँ जी टेक्निकल गुफ्तगु 99@gmail.com आप ईमेल आईडी ले लें, आप इसका पासवर्ड डालें। अब वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या पासवर्ड है, ठीक है। तो पासवर्ड भी डाल दिया है मैंने, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए जी ये कह रहा है क्रिएट योर अकाउंट। अब ये कुछ पूछ रहा है कि भैया इस पजल को सॉल्व करो कि हमें पता चल जाए आप असली बंदे हो, आप वेरीफाई करें यहाँ पे। अब आपने इसको सीधा करना है जल्दी से वो भी, ठीक है। अगर आप जल्दी से नहीं कर पाओगे तो ये कहेगा आप मशीन हो, ठीक है। देखो टाइम बताया ना उसने, तो आपने इसको सीधा करना होता है, ठीक है। ये एक नया तरीका आया, पहले कैप्चा कोड आता था उसमें मशीन मशीन लर्निंग के थ्रू आजकल उसको रीड किया जा सकता है, रोबोट भी रीड कर सकता है। तो उससे अच्छा तरीका भी इन्होंने ये निकाला है, इसमें ह्यूमन कितना टाइम लेता है और मशीन कितना, मशीन ज़्यादा टाइम लेगी इसको सीधा करने में, क्योंकि मशीन को नहीं पता कि सीधा कौन सा है, ठीक है, नहीं उसको पता चलता। अच्छा यहाँ पे ईमेल प्रेफरेंसेस आप बंद कर देना यहाँ पे, नहीं तो ये आपको मेल करते रहेंगे। और ज्वाइन अप फ्री प्लान पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। वेलकम टू गिटहब, देखो स्वागत भी कर रहा है ये हमारा, बड़ा खुश हो रहा है ये हमारे आने से मुझे लग रहा है। वू हू यू हैव ज्वाइन मिलियन ऑफ डेवलपर्स हु आर डूइंग देयर बेस्ट वर्क ऑन गिटहब, टेल अस व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, वी विल हेल्प यू गेट देयर। वाओ कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं ना ये लोग। अच्छा चलिए, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी मैं कौन हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई गो टू स्कूल। हाउ मच प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, जी बिल्कुल भी नहीं है मेरे को। एंड व्हाट डू यू प्लान टू यूज गिटहब फॉर, लर्न टू कोड, लर्न गिट एंड गिटहब, आप इसको दे दें कि भैया हम तो सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज फ्रेमवर्क, जो भी इन्होंने दिया है, और नीचे आपको कंप्लीट सेटअप का ऑपरेशन दिख रहा है, इसको आप क्लिक कर दें कंप्लीट। तो अब ये एक वेरिफिकेशन मेल गया है मेरी इस ईमेल आईडी के ऊपर, तो मुझे वहां जाके उसे वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मेरा ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो अब मैं अपने जीमेल अकाउंट पे चलता हूँ। तो देखिए मैं अपने जीमेल अकाउंट पे आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मेल आ रखा है गिटहब से। तो मैंने जीमेल अकाउंट में लॉगिन किया है, आप भी अपने अकाउंट में लॉगिन करिएगा अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से, और उसके बाद इस मेल को ओपन करिएगा। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है आप ऑलमोस्ट डन, आपका ऑलमोस्ट अकाउंट बन चुका है, बस आप वेरीफाई कर दो। तो आपने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है, और ये देखें आपका योर ईमेल वॉज वेरीफाइड, इस तरीके का मैसेज आपको नजर आ जाएगा, यानी आपकी जो अकाउंट है वो प्रॉपरली बन चुका है, ठीक है। व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू फर्स्ट, तो ये अब आपसे पूछ रहा है क्रिएट अ रिपोजिटरी, आपने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या पहले सीखना है, स्टार्ट लर्निंग। तो आप अगर स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपको बता रहा है विद गिटहब लर्निंग लैब ग्रो योर स्किल्स बाई कंप्लीटिंग फन रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स। तो आप सीख सकते हैं यहाँ पे, आप इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इस तरह की बेसिक चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे सीख सकते हैं फाइंड। तो खैर ये लर्निंग का इन्होंने अलग खोल दिया है, तो हमें इस, ये लैब है देखो, ये जो इसका डोमेन है ना ये अलग है, तो ये लैब वाला है लैब डॉट गिटहब, तो हमें इस पे नहीं जाना, तो हम अपने नॉर्मल गिट अकाउंट पे चलते हैं, ये वेरीफाई हो चुका है, तो एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो या इसको लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं, साइन आउट कर लेता हूँ मैं। तो मैंने साइन आउट कर लिया है, अब नेक्स्ट टाइम से आप जब भी करेंगे आपने यही वेबसाइट ओपन करनी है www.github.com, और यहाँ आपने अब साइन अप नहीं करना, आपने साइन इन करना है, ठीक है। साइन अप तो अकाउंट बनाने के लिए होता है, वो तो हम बना चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बार आपने साइन इन पे क्लिक करना है, और यहाँ आपने जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है टेक्निकल गुफ्तगू 99 वो डालिए, और जो पासवर्ड आपने रखा है वो आपने पासवर्ड डालना है। तो ये देखें मेरा ये ओपन हो गया अकाउंट,
ठीक है। अब यहाँ पे रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने अगर रिपोजिटरी बनानी है, कैसे बनानी है, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी, ठीक है, जिन पर हम धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखेंगे। अभी तो खैर हमने यही सीखा है, तो आप अभी जाके जैसे अपने स्टेटस को सेट कर सकते हैं, मैं अपने स्टेटस को बिजी कर सकता हूँ, ठीक है, और सेट स्टेटस कर दें, ठीक है ना, आई मे बी स्लो टू रेस्पॉन्ड, ये मैंने अपना स्टेटस लगा दिया। मैं अपनी प्रोफाइल में जाके अपनी फ़ोटो वोटो लगा सकता हूँ, वो मुझे यहाँ नज़र आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें कर सकता हूँ। अब मेरी जो रिपोजिटरी है वो मुझे यहाँ नज़र आएंगी, देखिए यूअर रिपोजिटरी में जो यहाँ ऑप्शन था। अभी मेरे पास क्या है, टेक्निकल गुफ्तगू डजेंट हैव एनी पब्लिक रिपोजिटरी, तो मेरे पास अभी कोई पब्लिक रिपोजिटरी नहीं है। तो यहाँ मैं चाहूँ तो अपनी फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अब हमारे हमारी यहाँ पब्लिक रिपोजिटरी बनानी है, जो सारा काम मैं आपको अगले लैब में दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा अभी पर्पस था सेटअप करना। तो हमने सारी चीज़ें सेटअप कर दी हैं, तो हमारा आज का काम हो गया। अभी जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि सिंगापुर वाली इस मशीन को अब आप स्टॉप कर दें, टर्मिनेट नहीं करना है हमेशा की तरह, स्टॉप करना है। तो ये आप स्टॉप करके रख दें, और इसी तरह आप मुंबई रीजन में जाएं और यहां इस मशीन को भी आप स्टॉप कर दें, ताकि अगली बार हम यहीं से काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। बिलिंग को लेके परेशान नहीं होना, बिल बिल कुछ नहीं आएगा आपका, अगर आता भी है तो देना नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको लैब समझ आ गई होगी। चलो बोर्ड की तरफ चलते हैं आप। तो लैब हमारी आज की फिनिश हो गई है, आगे हम इसी से आगे काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने गिट वाले अकाउंट को भी लॉग आउट कर लें, और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब समझ आ गई होगी और आपने करके देख लिया होगा, अपने इंस्टांस को स्टॉप भी कर दिया होगा, ताकि आप आगे उसी काम को वहां से स्टार्ट कर सके जहां आपने लास्ट टाइम रोका था। तो चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ हमेशा की तरह खत्म करते हैं। और एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है, इश्क में सच्चा था वो मेरी तरह, इश्क में सच्चा था वो मेरी तरह, बेवफा तो आजमाने से हुआ। और एक शेर ये था कि कुछ ना था मेरे पास खोने को, कुछ ना था मेरे पास खोने को, तुम मिले हो तो डर गया हूं मैं। चलिए खैर हमारे पास तो कोई रहा नहीं, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।